दोस्तों, आधुनिक भारतीय समाज में भले ही डायन शब्द अंधविश्वास का प्रतीक लगे, पर आज भी हमारे समाज में, खासकर आदिवासी बहुल समाज में, डायन के नाम पर कितनी ही औरतों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसे आरोप अधिकतर बूढ़ी विधवा औरतों पर ही लगाए जाते हैं, जिनका मकसद अक्सर जमीन, धन या अन्य तरह की संपत्ति पर कब्जा करना होता है। इसी सत्य को उजागर करती कहानी सुनते हैं गुलाबो। रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक कहीं दूर से मुझे बचाओ बचाओ और साथ ही कुछ लोगों के मिश्रित स्वर सुनाई दिए, जो मारो मारो, ये डायन है की आवाजों में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आवाज सुनकर एक बार तो मेरा मन बाहर निकलकर ये सब देखने को हुआ, पर चूंकि रात के 12 बज रहे थे इसलिए मन में थोड़ा भय भी था। पर वो आवाजें धीरे धीरे मेरे काफी करीब आती जा रही थी। अब मैं अपने आप को रोक न सकी, दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। थोड़ी ही दूर चलने पर मुझे एक नंग धड़ंग स्त्री दिखाई दी, जो आगे आगे बचाओ बचाओ करते भाग रही थी और लोग उसे पीछे से पत्थर, डंडा आदि से मारते हुए दौड़ा रहे थे। ये दृश्य देखकर मेरा रोम रोम सिहर उठा। एक बार तो मेरा दिमाग भी सुन्न हो गया ये देखकर कि वो नंग धड़ंग औरत और कोई नहीं बल्कि इसी गांव की गुलाबो है। अचानक गुलाबो आकर मुझसे लिपट गई और मुझे बचा लीजिए दीदी, बचा लीजिए कहकर जोर जोर से रोने लगी। मैंने तुरंत अपना शॉल उतारकर उसे दे दिया, जिसे उसने लपक कर अपने शरीर पर ओढ़ लिया। तब तक भीड़ भी मुझे चारों ओर से घेर चुकी थी। गुलाबो भी दुबक कर मेरे पीछे खड़ी हो गई थी। तभी भीड़ में से मुझे रामधन की आवाज आई, डॉक्टर नी जी, आप परे हट जाइए, गुलाबो को हमें सौंप दीजिए, ये हमारे गांव का मामला है, हम इसे खुद ही निपट लेंगे। रामधन का इतना कहना था कि पूरी भीड़ एक साथ चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, ये हमारे गांव का मामला है, हम इसे खुद ही निपट लेंगे, आप कौन होती हैं हमारे बीच में पड़ने वाली। भीड़ इतनी ज्यादा उत्तेजित थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था, पर गांव की एकमात्र डॉक्टर होने के कारण लोग मेरी इज्जत भी काफी करते थे। भीड़ को तो मैंने किसी तरह समझा बुझा कर शांत कर दिया, पर रामधन को समझाना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार भीड़ को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बात को लेकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि रामधन तो गुलाबो का चचेरा देवर है और गुलाबो के पति की मृत्यु के बाद वो उसका काफी ख्याल भी रखता है। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि पूरा गांव ही गुलाबो को इस हालत में आधी रात को मारने पर उतारू हो गया। ऐसे बहुत से प्रश्न थे जिन्हें जानने की मेरी उत्कंठा तेज हो रही थी। अंत में मैंने गुस्सा कर रामधन से कहा, देखो रामधन, चाहे जो हो जाए, आज मैं गुलाबो को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगी। उसे तुम लोग अभी यहां से नहीं ले जा सकते, कल सुबह ही पंचायत होगी जहां मैं गुलाबो को लेकर आऊंगी। मेरी इस बात से पूरी भीड़ सहमत हो गई। भीड़ पर मेरी बात का असर देख रामधन थोड़ा सकपका गया, फिर थोड़ी खिसियानी आवाज में बोला, ठीक है, सुबह देख लेंगे आप कैसे बचाती हैं गुलाबों को, इस डायन को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो चला गया, उसके साथ पूरी भीड़ भी चली गई। अब मैं गुलाबों की ओर मुड़ी, उसे तो जैसे तिनके का सहारा मिल गया था, वो मुझसे चिपटी खड़ी थी। मैं उसे लेकर घर के अंदर आ गई। वह
इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि अभी उससे कुछ भी पूछना ठीक नहीं था। मैंने पहले उसे अपने कपड़े पहनने के लिए दिए, फिर एक कप चाय बनाकर ले आई। अब तक उसका डर भी थोड़ा कम हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। चाय पीने के बाद जब वह थोड़ी संयत हुई तो मैंने उससे कहा, गुलाबो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बताओगी? उसने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। गुलाबो मैं ये जानना चाहती हूँ कि रामधन और गांव के लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या किया है तुमने कि गांव के सारे लोग एक साथ तुम्हारे दुश्मन हो गए? गुलाबो मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर मैंने कहा, देखो तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, पर जब तक मैं जानूंगी नहीं कि बात क्या है तब तक मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। अब मेरी जिंदगी में छुपाने लायक रखा ही क्या है जो मैं छुपाऊं, गुलाबो ने कहा। और इसके बाद अपने अतीत के पन्ने वह एक एक कर मेरे सामने खोलती चली गई। कहने लगी, बात सिर्फ 5 वर्ष पहले की है, जब मैं इस गांव में दुल्हन बनकर आई थी। मेरी शादी इसी गांव के सूरज चौधरी से हुई थी। सूरज जैसा नाम था वैसा ही रूप भी था। माता पिता की इकलौती संतान थे वो, और अच्छी खासी जायदाद के मालिक। मेरे ससुर का स्वर्गवास हो चुका था और सास भी लकवा की मरीज थी, जिस कारण घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे ही संभालनी पड़ी। दुल्हन बनने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। मैं बहुत खूबसूरत थी, जहां गांव की औरतें मेरी सुंदरता को देखकर तारीफों के पुल बांधा करती, वहीं गांव के मनचले लड़के मेरी एक झलक पाने के लिए घर के आसपास चक्कर काटते रहते। पर मेरे पति के डर से मुझसे कुछ कहने की उनकी हिम्मत न होती। मैं एक संस्कारवान लड़की थी, मैं भी अपने पति के अलावे किसी भी पर पुरुष को आंख उठाकर न देखती। मेरी छोटी सी गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी। ब्याह के 1 वर्ष कैसे बीत गए पता ही न चला। सास ने भी बहुत दिनों तक मेरा साथ न दिया। एक रात जो सोई कि फिर कभी नहीं उठी। सूरज दिन भर खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त रहते और मैं घर में अकेली। रामधन चौधरी जो मेरा चचेरा देवर था, कभी कभी मेरे पास आने लगा। अकेलेपन से उबे हुए मेरे मन को उसका आना अच्छा लगता। धीरे धीरे वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गया। उसने अब तक कभी भी मर्यादा की सीमा लांघने की कोशिश नहीं की थी। मैं भी उसे अपने छोटे भाई की तरह स्नेह देती। और फिर मेरे जीवन में एक दिन मनहूस घड़ी आई। मेरे पति को रोज सुबह 5 बजे ही उठ जाने की आदत थी। उस दिन जब वो बहुत दिन चढ़े भी नहीं उठे तो मैं उन्हें उठाने गई। तब वे बोले कि मेरे सर में आज काफ़ी दर्द है, मुझे आराम करने दो। मैंने रामधन को बुलाया और गांव के वैद्य को लेकर आने के लिए कहा। वैद्य ने अपनी समझ के अनुसार दवा दिया, पर उससे कुछ लाभ नज़र नहीं आया। दर्द काफ़ी बढ़ चुका था, यहाँ तक कि वे बेचैनी की हालत में छटपटाने लगे। मैं असहाय सी उन्हें तड़पता हुआ इस हालत में देख रही थी। मैंने गांव के ही 2-4 लोगों को बुलाकर उन्हें शहर के अस्पताल ले चलने को कहा, पर यहाँ तो होनी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक उनका दर्द और तेज हो गया, उनके नाक से खून बहने लगा। मैं कुछ कह पाती या सोचती इसके पहले ही वो एक बार तड़प कर
फिर हमेशा के लिए शांत हो गए। मेरी दुनिया लुट चुकी थी, मैं बिल्कुल पागलों जैसी हो गई। पर समय सबसे बड़ा मरहम है। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला। इन सब में रामधन ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं उस पर काफ़ी भरोसा करने लगी थी, पर रामधन के मन में कुछ और ही बातें थी। एक दिन मौका पाकर उसने मुझसे कहा, भौजी तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें सहारा मिल जाएगा। उस दिन मैंने उसे बुरी तरह से डांट फटकार कर भगा दिया। पर दो चार दिनों के बाद वह फिर मेरे पास आया और माफ़ी मांगने लगा। मैं तो पहले ही इतनी बुरी तरह दुखी थी कि मैं क्या किसी को माफ़ करती या सजा देती। मैंने उसे माफ़ कर दिया। एक दिन रामधन मेरे पास आया और बोला कि गांव के शमशान में जो काली मंदिर है उसमें पहुंचा हुआ तांत्रिक आया है, जो मरे हुए व्यक्तियों की आत्मा से लोगों की बात करवाता है। कल रात मैंने उसे चाची यानी कि मेरी सास की आत्मा को बुलाने के लिए कहा, और फिर भौजी जो मैंने देखा उस पर तो खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो तुम क्या करोगी, ऐसा रामधन ने कहा। मुझे अपनी मरी हुई सास के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होने लगी। मैंने भी उससे सारी बातें जाननी चाही, तो वह कहने लगा, चाची से बात करने के लिए उसने मुझे रात के 12 बजे शमशान में बुलाया और फिर एक जलती हुई चिता के सामने बैठ जाने को कहा। मेरे ऐसा करने पर फिर उसने कुछ मंत्र पढ़े। थोड़ी ही देर में चिता के पास एक काली साया प्रकट हो गई। देखने के बाद पता चला कि वो चाची है। क्या कहूँ भौजी, भैया के अकाल मृत्यु के कारण चाची वहाँ खुश नहीं है। भैया की आत्मा भी दर दर भटक रही है। चाची तुमसे मिलना चाह रही है। मैं अब तक पूरी तरह से रामधन की बातों में आ गई थी। मैंने भी शमशान जाने का मन बना लिया। मैंने अपने मन की बात रामधन से कही तो उसने कहा कि कल रात ठीक 11 बजे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात ख्याल रहे कि इसका जिक्र तुम किसी और से नहीं करना, और साथ ही जिस समय तुम्हें चाची के दर्शन होंगे उस समय तुम्हें बिल्कुल नग्न होना पड़ेगा, ऐसा तांत्रिक की शर्त है। नग्न होने वाली बात सुनकर मैं थोड़ा सा सकुचाई, और फिर जब रामधन ने मुझे हिचकते हुए देखा तो कहने लगा, घबराओ नहीं भौजी, मैं तुम्हें वहां पहुंचाकर हट जाऊंगा, वहां सिर्फ तुम और तांत्रिक रहोगी। और फिर जब तांत्रिक किसी आत्मा को बुलाते हैं तब वो दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं, उन्हें अपने आसपास का कुछ होश ही नहीं रहता। ऐसे में तुम्हें नग्न होने में क्या परेशानी है। मैं सास की आत्मा से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसकी बातों में आ गई, और दूसरे दिन मैं रामधन के साथ शमशान गई। वह मुझे वहां छोड़कर चला गया। वहां तांत्रिक एक जलती हुई चिता पर लोहबान फेंक फेंक कर कुछ मंत्र का जाप कर रहा था। मुझे देखकर उसने कपड़े उतार कर बैठ जाने के लिए कहा और फिर आंखें बंद कर मंत्र का जाप करने लगा। मैं यंत्रवत उसके कहे अनुसार काम करने लगी। मुझे बैठे कुछ ही देर हुए थे कि रामधन पूरे गांव वालों को लेकर आ गया और कहने लगा कि लीजिए आप लोग अपनी आंखों से देखिए गुलाबो किस तरह डायन सीख रही है, इसका जीवित रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। रामधन का इतना कहना था कि पूरे गांव के लोग मुझ पर मारो मारो कहकर टूट पड़े। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी, और फिर उसके बाद जो हुआ ये तो आप जानते ही हैं। गुलाबों की पूरी बात सुनकर मुझे रामधन की चाल समझ में आ गई। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि डरो मत,
अब रामधन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने रात को ही अपने चौकीदार को बुलाया और उसे सारे स्थिति से अवगत करा, अपने विश्वास में ले लिया। उसे लेकर शमशान चली गई। वहां जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तांत्रिक जैसा तो वहां कोई था ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जरूर था जो जल्दी जल्दी अपने सामानों को समेट रहा था। हम लोगों को देखते ही वो घबरा कर भागने लगा। इतने में चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और दो चार हाथ जड़कर अपने कब्जे में भी कर लिया। उसे लेकर हम अपने घर चले आए। यहाँ हमने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसके सामानों की तलाशी लेने पर उसमें से नकली दाढ़ी, मूंछ और गेरुआ वस्त्र निकला। जब हमने उसे डराया और पुलिस बुलाने की धमकी दी तो उसने सारी बातें बता दी कि रामधन ने उसे तांत्रिक बनने के लिए उकसाया था, तथा उसने कहा था कि यदि ये साबित हो जाए कि गुलाबो डायन है तो उसे या तो गांव से निकाला जाएगा या गांव वाले ही पीट पीट कर उसे मार डालेंगे। दोनों ही स्थिति में उसकी सारी जायदाद मेरे हिस्से में चली आएगी, और इस काम में यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें भी मालामाल कर दूंगा। धन के लालच में मैं उसकी बातों में आ गया। ऐसा कहकर वह रोने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। इस पर मैंने उससे कहा कि यदि कल पंचायत में वो सारी बातें जो अभी मुझसे कही है कह देगा तो मैं उसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगी। इससे वो सहमत हो गया। दूसरे दिन पंचायत बैठी, मैं भी गुलाबों को लेकर पंचायत में हाजिर हो गई। मुझे और गुलाबों को देखकर रामधन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। शायद वो सोच रहा था कि उसकी जीत तो अब निश्चित ही है। पंचों ने रामधन और गांव वालों की सारी बातें सुनने के बाद गुलाबों से अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए कहा। तब मैंने पंचों से कहा कि पंचों, गुलाबों क्या कहेगी, वह निर्दोष है, उसे एक साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके प्रमाण में मैं आपके समक्ष एक जीता जागता सबूत पेश करना चाहती हूँ। उनके हाँ कहने पर मैंने चौकीदार को उस तथाकथित तांत्रिक को लाने के लिए कहा। तांत्रिक को देखते ही रामधन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी, और फिर उसने वो सारी बातें जो रात में मुझसे कही थी यहाँ दोहरा दी। मौके की नज़ाकत समझकर रामधन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर गांव के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब उसका भांडा फूट चुका था। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और फिर वह गुलाबों से माफ़ी मांगने लगा। पंचों ने रामधन को कसूरवार मानते हुए गांव से निकाला कर दिया और साथ ही उसे पुलिस के हवाले भी, और फिर गांव के सभी लोगों ने गुलाबों से अपनी गलती की क्षमा मांगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।